नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके इंडिया न्यूज। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारी नई अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। खबर यूपी के बलरामगढ़ी से आ रही है, जहाँ पर महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव जमुराबा के ग्रामीणों ने यहाँ कम्पोजर विद्यालय में तैनात एक अनुदेशक पर विद्यालय पढ़ने आने वाली छात्राओं के साथ अमर्यादित हरकत करने का आरोप लगाया है। उप जिलाधिकारी महाराजगंज को मामले से अवगत कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि निदेशक द्वारा की जा रही हरकतों की शिकायत कई बार इंचार्ज प्रधानाध्यापिका से की गई है, जिस पर प्रधानाध्यापिका द्वारा उनसे अभिभावकों को ही पाठ पढ़ाने लगी, जिसके चलते बीते बृहस्पतिवार को दर्जन अभिभावक विद्यालय पहुँचे, किन्तु अनुदेशक और इंचार्ज प्रधानाध्यापिका अवकाश पर थे। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रजत राम गुप्ता को पूरे मामले से अवगत कराते हुए शिकायती पत्र भी दिया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी और एआरपी संजय कनौजिया को मौके पर भेजकर मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीणों ने एसडीएम महाराजगंज को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि कम्पोजिट विद्यालय जमुरावा में कार्यरत अनुदेशक ज्ञानेंद्र कुमार विद्यालय पढ़ने जाने वाले उन बच्चों के साथ गंदी हरकतें करते हैं और प्राइवेट पार्ट टच करते हैं, जिसकी शिकायत इंचार्ज प्रधानाध्यापिका से की गई। इस पर प्रधानाध्यापिका द्वारा मामले को टाल दिया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि अनुदेशक द्वारा लगातार आधा दर्जन से अधिक छात्राओं के साथ गंदी हरकतें की जा रही हैं। इस पर कुछ अभिभावक बुधवार को विद्यालय पहुंचे और इंचार्ज प्रधानाध्यापिका पूनम से पूरी बात बताई, तो प्रधानाध्यापिका उल्टे अभिभावकों पर ही गलत आरोप लगाते हुए उनकी बच्चियों को ही गलत ठहरा दिया। इस पर बृहस्पतिवार को ग्रामीण विद्यालय पहुंचे तो अनुदेशक और प्रधानाध्यापिका के अवकाश पर होने की सूचना मिली, तो ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से पूरे मामले की शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए एसडीएम रजत राम गुप्ता ने खंड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव और एआरपी संजय कनौजिया को मौके पर भेजा गया। दोनों अधिकारियों ने छात्राओं के बयान और तैनात अध्यापकों के बयान दर्ज किए। मामले में उप जिलाधिकारी रजत राम गुप्ता ने बताया कि सूचना मिली थी, मामले का संज्ञान लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को मौके पर भेजा गया, पड़ताल कराई गई और कहा गया कि यदि ऐसा है तो इस मामले में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मकरंद, क्या मामला है? मामले यही है, बच्चों को परेशान करते हैं टीचर लोग। कौन टीचर? ज्ञानेंद्र। बच्चियों को गलत तरीके से पढ़ाते हैं, गलत तरीके से समझाते हैं, उनका वातावरण जो है वो गलत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।